दोस्तों द न्यूज वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं इन वीडियोस में कि कैसे ये तेलंगाना का नालगोंडा शहर पूरा नीला हो चुका। जय भीम का नारा लगाते हुए हजारों लाखों लोग पूर्व आईपीएस अधिकारी और शिक्षाविद आरएस प्रवीण कुमार के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने सभा से पहला सवाल ही यही पूछा कि गुलाम बने रहना चाहते हो या शासक बनना चाहते हो। ये दिन हम सब के लिए यादगार रहेगा। इस राज्य में बहुजन राज्य को स्थापित करने में कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अंबेडकरवादी विचारधारा के आरएस प्रवीण कुमार की इस रैली को तेलंगाना का राजनीतिक इतिहास बदलने का मील का पत्थर बताया जा रहा है। अंबेडकर फूले पेरियार की विचारधारा को बसपा को दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया मुकाम छूने के तौर पर देखा जा रहा है। कई खबरों और सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक तो इतनी बड़ी रैली जहां ऐसे असंख्य लोग शामिल हुए तेलंगाना के किसी और राजनेता के हाल ही में देखी ही नहीं गई। उत्तर भारत में तो बहुजनों की ऐसी रैलियां काफ़ी होती हैं, पर गौरतलब है कि ये दक्षिण भारत में अपने आप में ही एक ऐतिहासिक क्षण है जहाँ नीले रंग से जय भीम से आसमान पूरा भर गया। बहुजन छात्रों के लिए स्वायरोस नामक शिक्षा संस्था चलाकर शिक्षा क्रांति के लिए जाने जाते आरएस प्रवीण कुमार ने हाल ही में आईपीएस सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। बाबा साहेब के दिए हुए पथ पर चलते हुए शिक्षा क्रांति लाने के बाद अब वो बतौर राजनेता एजिटेट और ऑर्गेनाइज करने के पथ पर चल पड़े हैं। अपनी पहली स्पीच में तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की टीआरएस पार्टी और सरकार को लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि सवर्ण पार्टियों ने 70 साल से बहुजनों के साथ धोखाधड़ी की है। सभा को बहुजनों की आंधी बताते हुए उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं कि तेलंगाना में बीएसपी का शासन होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो खेतीहर मजदूरों, ऑटो चालकों, सफाई कर्मचारियों, कारीगर समुदायों और आदिवासियों के बेटे हैं। तेलंगाना की दलित बंधु स्कीम, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है, उसे जुमला बताते हुए उन्होंने कहा कि योजनाएं हमारा संवैधानिक अधिकार है, आपका दान नहीं। 1000 करोड़ रुपए उन कमज़ोर वर्गों के हैं जो ज़मीन जोतते थे। अगर तुम्हें हमसे कोई मोहब्बत है तो अपना पैसा हम पर खर्च करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण उनके प्राथमिक एजेंडा पर है। वहां की भी मनुवादी मीडिया ने इस बड़ी ऐतिहासिक रैली को कवर नहीं किया, पर हम आपको बता दें कि मीटिंग में बहुजन सांस्कृतिक प्रोग्राम, बहुजन नायकों के बड़े बड़े कटआउट्स थे और उनकी किताबों के स्टॉल भी थे। तो ये बहुत ही शानदार ऐतिहासिक क्षण है, हमारी बहुत बहुत बधाई भी हो आरएस प्रवीण कुमार को। हम देख रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि ये बहुजन मूवमेंट देश में ऐसे ही बढ़ता जाए, बहुजन राजनीति में भी शासक ज़रूर बने। तो आप भी शानदार खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को इस सैकड़ों लाखों लोगों तक, जैसे इस रैली में सैकड़ों लाखों लोग आए, तो इस वीडियो को भी आप सैकड़ों लाखों लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। साथ ही में हमारे चैनल द न्यूज वीक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें हम, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप द न्यूज वीक को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हम वहां भी सक्रिय रहते हैं। जय भीम।